हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। रापचिक रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अमृतसरी लस्सी, गर्मियों का ऑल टाइम फेवरेट ड्रिंक। तो अमृतसरी लस्सी बनाने के लिए मैंने क्या करा है, ये लिया है दही। ये 400 ग्राम दही है। इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ आइस क्यूब। लस्सी में फ्रेंड्स पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और इसको हम पहले फेंट लेते हैं। इसमें अभी डाल देंगे इलायची पाउडर, हरी इलायची का पाउडर है, ये डाल दिया। और डाल रही हूँ ये शुगर पाउडर, 4 टेबल स्पून शुगर पाउडर डाल रही हूँ मैं। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 5 या 6 टेबल स्पून भी डाल सकते हो। बाकी इसमें डालूंगी थोड़ी सी ये किशमिश, थोड़े से बादाम। अमृतसरी लस्सी खूब ड्राई फ्रूट से भरी हुई होती है। और ये काजू और ये पिस्ता। और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ ये मलाई। दही अगर आप घर में जमाई है तो दही के ऊपर जो मलाई होती है हम वही निकाल लेंगे। फ्रेश मलाई डालेंगे, इससे हमारी लस्सी का टेस्ट ना बहुत बढ़िया आएगा। और एक बार इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। लस्सी के लिए प्रेफर करेंगे कि जो भी ऐसे हाथ से बीट करें उसको हम मिक्सी में ना घुमाएं, तभी दही का लस्सी का असली टेक्सचर आता है, वो गाढ़ी गाढ़ी दही। बहुत ही गाढ़ी लस्सी रहती है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे। बस हमने जो थोड़ी सी आइस डाली है वही पानी रहेगा। और इसको ऊपर से गार्निश कर देती हूँ कुछ किशमिश, काजू डाल दिए, कुछ बादाम और पिस्ता डाल दिया। हमारी ये लस्सी रेडी हो गई है बिल्कुल। और अगर आप चाहो तो इस पे ये मलाई डाल सकते हो। फ्रेश मलाई होनी चाहिए, मलाई से लस्सी का टेस्ट नहीं ख़राब होना चाहिए फ्रेंड्स। दही के ऊपर जो मलाई आती है आप वो निकाल लो, बिल्कुल फ्रेश मलाई डालेंगे। और ये आपकी लस्सी रेडी है, बहुत ही यमी, गर्मियों का बहुत ही अच्छा ड्रिंक। फ्रेंड्स बनाइए, इंजॉय करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय।